उधर राजधानी में बेखौफ बदमाशों के आपको करतूत दिखाते जिन्होंने इंस्पेक्टर को ही सरेआम पीट दिया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी तैनात रहते हैं। फिलहाल घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जो गुंडों ने दिखाई इंस्पेक्टर के साथ वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। स्वच्छता अभियान के दौरान कुछ कहा सुनी हुई थी। गांधी जयंती पर जो स्वच्छता अभियान चल रहा था उसमें इंस्पेक्टर शामिल थे और जैसा कि हमने आपको बताया मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन उनको कुछ लोगों ने पीट दिया। फिलहाल अब पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हौसले किस कदर बुलंद है। यहां पर इंस्पेक्टर को ही पीट दिया गया बुरी तरीके से। जो पीट रहे हैं वो इंस्पेक्टर जिन्हें जो पीट रहा है शख्स वो दबंग है। अभी तक कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है 2 अक्टूबर को जिस तरह से गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान चल रहा था इस दौरान ही आरोपी और इंस्पेक्टर के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद आप देखें कि कैसे अचानक आरोपी ने इंस्पेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। जब हम अंदर बैठे हुए थे तो सर जा रहे थे और बाइक रोक के उनसे सर ने बस कल इतना ही बोला था कि ये कूलर हटवा लीजिए, उसी के बात हुई थी। उसके बाद इतनी बढ़ गई कि हम लाठी आटी जो भी हो।